Hello my dear students, good morning every one of you. Welcome in this session of English teaching. इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th NCERT जो इट्स सो हैपेंड आपकी बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ऊँट को अपना कुबर कैसे मिला, के फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसका सारांश हिंदी में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट टास्क्स, टास्क मीन्स कार्य, डू यू थिंक वर असाइंस्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स। आप क्या समझते हो, आपकी समझ से कुत्ते को और बैल को कौन सा कार्य दिया गया था? आंसर, आई थिंक द डॉग वॉज असाइंस्ड टू द टास्क असाइंस्ड द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग। कुत्ते को कार्य ले आने और ले जाने का कार्य दिया गया था। एंड द ऑक्स वॉज आस्ड टू प्लाउ, और बैल को प्लाउ हल खींचने जोतने का काम दिया गया था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट। डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान। तो कैमल ऊंट रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था? आंसर, द कैमल डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, कैमल काम करना नहीं चाहता था, सो ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट, इसलिए वह डिजर्ट के मिडिल में रेगिस्तान के मध्य में रहता था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। किस बात ने कुत्ते को, घोड़े को और बैल को बहुत नाराज कर दिया, क्रोधित कर दिया? आंसर, द मैन टोल्ड द डॉग, आदमी ने कुत्ते से कहा, द हॉर्स घोड़े से कहा, एंड द ऑक्स और बैल से कहा, दैट दे वुड हैव टू डू ऑल द वर्क themselves, कि उन सबको स्वतः ये सारा कार्य करना पड़ेगा। दे वुड हैव टू वर्क डबल टाइम टू कंप्लीट द कैमल शेयर, उनको दो गुना काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ऊंट के हिस्से का कार्य पूरा करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। सो दे बिकेम एंग्री, यहाँ सो छूट गया है, आप लिख लीजिएगा लिखते समय, सो दे बिकेम एंग्री, इसलिए वे नाराज हो गए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। तो जिन कैसे जानते थे कि घोड़ा कैमल का, ऊंट का शिकायत कर रहा था? आंसर, व्हेन द हॉर्स गेव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैमल, जब घोड़े ने एक ऊंट का वर्णन दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, विवरण दिया, वर्णन किया, दैट ही हैड लॉन्ग नेक, कि उसकी गर्दन लंबी है, एंड लॉन्ग लेग्स, और उसके पाँव लंबे हैं, तो द जिन न्यू दैट, जिन जान गए कि ही वॉज टॉकिंग, कि वह बात कर रहा था, कंप्लेनिंग या शिकायत कर रहा था अगेंस्ट द कैमल, कैमल के बारे में बात कर रहा था या उसकी शिकायत कर रहा था। छात्रों,
इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।